साल बाद आए हैं, कौन सी जेल में थे और कैसे गए थे वहाँ पे? मैं सर 1991 में गया था और तकरीबन 3.25 साल बाद वहाँ गिरफ्तार हो गया और उसके बाद में सज़ा हुई है। सज़ा 25 साल की थी लेकिन मैं 29 साल बाद आया हूँ। किस वजह से आपको ज़्यादा काटना पड़ा? समझ नहीं आई, सॉरी। किस वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा देर काटनी पड़ी? सिर्फ इसलिए कि कुछ वो सज़ा ख़त्म होने के बाद भेजते नहीं है, या वहाँ पर बता देते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो जैसे ही एम्बेसी से आते हैं या फिर ऑफिसर, तो फिर वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमको रिलीज़ करती है। कौन सी जेल में बंद थे और वहाँ पे क्या भारतीय कैदी और भी हैं और उनके क्या हालात हैं? हम सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में थे और वहाँ पर दूसरे भी भारतीय नागरिक बंद हैं, तो उसमें कुछ एबनॉर्मल हैं और कुछ सही हैं। व्यवहार कैसा रहता है वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे पुलिस की तरफ से? जेल का व्यवहार तो जेल जैसे ही होगा ना सर, क्योंकि वहाँ पे सख्ती भी होती है, नरमी भी होती है। और भारतीय कैदियों के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही व्यवहार होता है। मारपीट कोई नहीं, नहीं, किसी किस्म की कोई मारपीट नहीं। पहली बार आप गए थे वहाँ पर, किस तरह का व्यवहार, कुछ टॉर्चर किया आपसे, कुछ पूछताछ की उन्होंने? वो तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त आदमी गिरफ्तार होता है तो वो उसके साथ मारपीट तो होती ही होती है कि भाई क्यों आए, किस लिए आए, कैसे आए, तो उनको बताया भाई गलती से आ गए थे हम, तो मेहरबानी आपकी। कितने कितने साल रह के आए जेल में? 28 साल? हाँ 29 साल। ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसी कोई याद को जो आप ना भूल सके हो अभी तक, कोई ऐसी टॉर्चर किया हो या आपको दिमागी तौर पर कोई टॉर्चर करने की कोशिश की हो? नहीं, दिमागी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारा साथ ही दिया है हर लिहाज से। दूसरे कैदियों से हमको खाना पीना थोड़ा अच्छा मिलता था और मेडिकल भी हमको दूसरों से ज़्यादा अच्छा मिलता था। और बाकी कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी हालत कैसी है वहाँ? जो हमारे इंडियन कैदी हैं, हम सब साथ में ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ अलग है और दूसरों के साथ कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारे वहाँ पे इस वक्त तकरीबन टोटल 30-31 आदमी और औरत दोनों, जिसमें 4 औरतें हैं तकरीबन और बाकी जेंट्स हैं, तो 2 हम इधर आ गए हैं, बाकी रह गए तकरीबन 28 आदमी वहाँ पर हैं, 28 भारतीय नागरिक। कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं, कोई पाकिस्तान की जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर हुई थी जंग में वहाँ पर रह गए थे, कोई ऐसा कुछ? वो हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलती से अपने आरएसपुरा सेक्टर से पार हुआ था, तो उधर जगह रेंजर ने पकड़ लिया था मुझे, तो मैंने तकरीबन कोई 13 साल काटे हैं उधर, 10 साल सजा सी मुझे, तो 13 साल काटे हैं। तो वहाँ पे बातें कहती और भी हाँ व्यापारी सबके साथ एक जैसा ही होता है, चाहे नवा चाहे पुराना है, सबको एक तरफ से देखते हैं वो। वगैरह जेल सुप्रिंटेंडेंट वगैरह वो अच्छा आप लोगों के साथ प्यार करते हैं कि यार आगे अपने मुल्क में जाएं तो इनको पता चले यार हम इनके साथ कितना वो करते हैं। और वहाँ पे कोट लखपत जेल में भारतीय कैदियों के साथ कुछ की हालत बहुत ख़राब है, जिनकी सज़ा भी पूरी हो चुकी है? सज़ा कई अगर पूरी हो चुकी है, लेकिन हालत जो है ना वो पीछे से ही मेंटल कोई आए हुए 2-3 लड़के, लेकिन उनको पता नहीं हमारा एड्रेस कहाँ का है, बताते कुछ नहीं है। कितने कितने कैदी है जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है? तकरीबन इस टाइम कोई 8 इधर है, तो दूसरी जेल में भी आ गए हैं, इधर 8 हैं टोटल जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। वो अपने घर वालों को बेचारे सोचते हैं हमें, वैसे 6 हैं जिनकी, 6 अटर्नी आदमी हैं, उनके नाम है बलविंदर सिंह, रजिंदर सिंह, बबलू कुमार, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह वगैरह, ऐसे जो लड़के हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। अच्छा, वहाँ पर जब सरबजीत की मौत हुई थी वो मंजर देखा? उस टाइम मैं उधर अस्पताल में था, जब अस्पताल में निकलने लगा था तो उधर से बोल रहे थे झगड़ा हो गया, सरदारों का आपस में झगड़ा हो गया, तो हम लोगों को उन्होंने भगा दिया, थे वो सरबजीत को लेकर अस्पताल की तरफ जा रहे थे। अच्छा, जो हादसा हुआ अभी लड़की का जबरदस्ती उसके साथ की गई है अभी पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में जानते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं।